अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब फैमिली को। और आप लोग कैसे हैं? बस ठीक है, हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है। और क्या कहते हैं, 2 3 4 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, बस यही है कि मोबाइल का वही मसला हो जाता है। फिर वो ये इसके ऊपर लोड इतना हो गया तो इतनी मुश्किल से बस एक बार मैंने शॉर्ट स्टोरी डाली तो मैंने कहा आज तो मैं कीमत पे बनाती हूँ। बस फिर यही है, इसका लोड दूसरे पे करते हैं कुछ ना कुछ करके। फिर मैंने ब्लॉग आज समझे बनाया, इसको खाली किया, इसमें से डिलीट किया जो जो चीज़ें थी, बस इसीलिए मैं बना नहीं सकी। तो फिर मैंने कहा आज तो कीमत पे बनाना। और सबको आज जुम्मा मुबारक हो, जुम्मा है तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, जुम्मे का दिन है। तो मैंने कहा मैं आज तो ब्लॉग पर कीमत पे डालना है, जाहिर सी बात इतने दिन हो गए मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से नहीं मिली, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ही लोग हैं, आप ही लोगों से बात कर लेती हूँ कैमरा उठा के। और क्या कहते हैं, आप ही लोगों से अपनी जो भी बात है वो शेयर कर लेती हूँ। बस यही है, सर्दी कुछ ज़्यादा पड़ रही है आजकल, जो है हवाएं चल रही हैं तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। और हमारा तो घर भी ऐसा ना खुला हुआ है जिसको तो दरवाज़ा भी नसीब नहीं है, मतलब आगे जो बरामदा है उसमें तो दरवाज़ा भी नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड है, बस पर्दे लगाए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है ना। तो बस यही है। और क्या कहते हैं, और आप लोग कैसे हैं? लाइक कमेंट्स कर दिया करें, 3 4 कमेंट्स आए थे, देखे थे मैंने। खैर मैंने उनका आंसर भी क्या देना है वो तो मैंने लिख दिया, मैं भी मैसेज कर देती हूँ। तो बस यही है कि आप लोग पसंद। और क्या कहते हैं, सच्चाई तो, सच्चाई तो ऐसी बात है मैंने बता ही दी है, जो झूठे हैं तो वो तो हैं ही भाग गए हुए। बस यही है, और अच्छी लगती है, आपको पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक्स करें, कमेंट्स करें, जैसे कि मैं हर बारी में बोलती हूँ। तो बस यही है कि आगे अल्लाह ताला सब कुछ करने वाला है, इंसान तो सिर्फ कह सकता है और कोशिश करे, इंसान जो है हिम्मत ना हारे, आगे बढ़े। और बस यही है, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं आजकल, जो है इतनी महंगाई फैली हुई है, इस कदर बढ़ गई है, चिकन देखें किस कदर महंगी हो गई है, और आटे पे दोबारा से पैसे बढ़ गए, तो महंगाई पे तो अल्लाह रहम ही करे। जाहिर सी बात है जैसे हुक्मरान है तो फिर वैसे ही अल्लाह ताला उनसे मदद करता है, जैसे लोग अमाल होते हैं। तो बस महंगाई हद से ज़्यादा बाहर हो गई है, मतलब तनख्वाहें सैलरी हैं तो वही की वही है, आटा देखें 150 रुपये किलो तक पहुँच गया, इतना महंगा हो गया कि मतलब गरीब का तो गुजारा ही मुश्किल है। हाँ अमीरों ने तो बैंकों में हराम डाला हुआ खाते रहते हैं, उनका ये तो कोई मसला ही नहीं है। खैर वो तो शैतान ही खाता है, हराम और शैतान के साथ चल रहे हैं, क्या कह सकते हैं, हर अपना अपना वो है। बस ये महंगाई इतनी है, चिकन देखें किस कदर महंगी है, वही वाली बात है, सब्जी और दाल ही पका सकता है, ऐसी बात है गरीब इंसान। हाँ जो दूसरे तरीके से कमा रहे हैं पैसा, तो उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, उनके लिए महंगाई है ही नहीं, हम जैसे गरीबों के लिए होती है। तो बस अल्लाह रहम ही करे, जो महंगाई बढ़ गई है, इस कदर बढ़ गई है कि रोज़ाना कीमतें कम तो होती नहीं है बल्कि बढ़ती ही रहती हैं। बस यूट्यूब से मेरा यही, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जाती है, खुदा रहा मतलब जो हुक्मरान है अल्लाह ताला, वही वाली बात है कि सही लोगों को वोट नहीं दिया जाता, सही लोगों को मुंतखब नहीं किया जाता, तो फिर ऐसे सारे हुक्मरान आते और किस कदर महंगाई है कि देखें गरीब इंसान क्या करे क्या ना करे, उसकी समझ से ही बाहर है। तो बस अल्लाह अपना रहम करे, और क्या कहते हैं, अल्लाह ताला जो है अपने मुल्क पर रहम करे, और अल्लाह ताला जो है सही हुकूमत आ जाए, सही लोग आ जाए। और वही वाली बात है कि जब तक इंसान अपने आप को सही नहीं होगा तो फिर हुक्मरान भी वैसे ही रहेंगे, और इंसान सही फैसले करे, सच का साथ दे। यहाँ पे जितना झूठ बोला जाता है फिर वैसे ही है, हर चीज़ में धोखाबाजी है। देखिए ना, चीज़ें लेने जाएँ तो वो कम तोड़ते हैं, कम देते हैं, ख़राब देते हैं। अगर हम सब्जी लेने भी जाएँ तो अपने हाथ से निकालते तो सही होती है, वरना वो उठा के ख़राबी डालने वाले होते हैं, मतलब जो है ना हर तरफ बेईमानी है, तो फिर वैसी ही चीज़ें हो जाती हैं। बस यही है, और क्या कहते हैं, वही मैंने सब्जी, दिसंबर में मैंने अपना ब्लॉग एंड किया था न्यू ईयर पे, उसके बाद से मैं अब कर रही हूँ 2023 में। बस लोग खुशियाँ मनाते, मतलब ज़िंदगी से 1 साल कम ही हो जाता है, पता नहीं क्या खुशियाँ मनाते क्या हो गया, हमारे इस्लाम में तो खैर नहीं है, जो भी है मतलब 1 साल बीत गया, और जो है 30 साल से सीखना चाहिए, गुजरे हुए दिनों से सीखना चाहिए। और क्या कहते हैं, दुआ जहरा जो है अगवा केस का आज उनका फैसला था जुम्मे का, तो अच्छा लगा टीवी पे कि उनके वालदैन के हवाले जैसे हमने कहा था, देखें झूठ कितना झूठ उन लोगों ने बोला, जालिमों ने, अल्लाह ताला बस इनको इबरतनाक, इनको फांसी पे लटका दे, इनको इबरतनाक करार वापिस सजा दी जाए, ऐसे क्या कहते हैं भेड़ियों को। बस बहुत आज खुशी हुई कि जरे उनकी बेटी उनके वालदैन को मिल गई, और देखने अल्लाह ताला हमेशा हक और सच के साथ होता है, कितने झूठ बोले, कितने जलील हुए, और आखिर भी झूठे का मुंह काला। और वही वाली बात है कि झूठ एक दिन खुलता है, आप कितना भी छुपा लें, और क्योंकि सबसे बेस्ट प्लानर जो है वो अल्लाह है, आप खुद ही बता आगे क्या होगा, अल्लाह ने क्या करना है, अल्लाह पे जिसका यकीन होता है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बस खुशी हुई, और क्या कहते हैं, अल्लाह ताला जो भेड़िया है वो जहीर नामी, और उसकी माँ, अल्लाह ताला उसको इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाए, और ऐसी बीमारी में मुब्तला कर देना कि बस इनका कोई इलाज ही ना हो, ये ऐसी मर जाए, अल्लाह ताला इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाए। बस ऐसे लोगों के लिए बदवाएँ निकलती हैं, और यही है कि आवाज़ उठानी चाहिए, और इतना माशरे में गलत हो रहा होता है, मतलब जो है ना माशरा बहुत ही बिगड़ा हुआ है,
और मतलब मैंने तो जो देखा ना, इतनी उम्र उम्र के लोग ऐसे झूठ बोलते हैं कि हैरान है कि हम और यंग लोग बोलेंगे, मतलब बहुत ही तबाही की तरफ है। तो बस यही, अपने आमाल को सुधारें, अपने आप को सुधारें। और क्या कहते हैं, मेरी वीडियो जिन लोगों ने कहा बहुत अच्छी लगती है, आपकी वीडियो में हमें बहुत पसंद है, पॉजिटिव है, तो चलिए आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव लगती है, वरना तो जितने भी जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उन्हें तो फिर मेरी खड़ी बात बुरी लगती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं यही कहती हूँ शेयर कर लिया करें। एक तो पता नहीं लंदन से थी, एक और एक कह रही थी दुबई से है, और एक पता नहीं कहाँ अजरबैजान से हो चुकी है। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह ताला आप लोग जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला ईमान दे, सेहत दे, मारो बरकत दे, सबके रिश्ते में बरकत दे, सबको बीमारियों से बचाए, और मेरे लिए, मेरे हस्बैंड और बच्चों के लिए दुआ किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा।